कर्पूर गौरं कर्पूर गौरं करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा बसंतं हृदयारविन्द्र भवं भवानी सहितं नमामि चरण कमल में आई के ए जी धरो तिहारो ध्यान अब मेरी बिनती सुनो पवन पवन पुत्र हनुमान श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण ऐतिहासिक धरती सब में इको है का नीचे वाले में भी नहीं नीचे वाला इको पूरा बंद करिए कोरस में इको नहीं रहेगा किसी भी कोरस में ऐतिहासिक धरती आमापुर बेर्रा प्रतापगढ़ और जौनपुर के सरहद पे हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में सांस्कृतिक कार्यक्रम के इस मंच पर आसीन सम्मानित अतिथिगण आवाज में हो पीछे मंच पर आसीन सम्मानित अतिथिगण सामने बैठे देव तुल्य भगवान तुल्य जनता जनार्दन और इनकलाबी तबीयत के नौजवान साथियों इस पांडाल में सामने बैठी देवी स्वरूप माताएं बहने हम आप सभी का इस देश के मुस्तकबिल की आवाज भारत के भविष्य और देश के किसानों नौजवानों की एक उम्मीद की किरण 2022 के भावी मुख्यमंत्री
आदरणीय अखिलेश यादव जी के तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। कठिन परिस्थितियों में आपके बीच में आना हुआ। कल से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी 64 दिन के यात्रा पे निकले हैं। कल जनपद सीतापुर में हम लोग थे, रात 7:30 बजे तक पांचवी सभा करके और रात भर चलने के बाद आपके इस ऐतिहासिक सरजमी पे पदार्पण हुआ, आगमन हुआ। इतनी तादाद में इन नौजवानों का हुजूम केवल बिरहा सुनने नहीं आया, ये किसानों का हुजूम केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनने नहीं आया, कहीं ना कहीं से लोगों के मन में कसक है कि वो आवाज भी सुननी है जो आवाज 2022 के विधानसभा में नौजवानों और बुजुर्गों की रहनुमाई करने का काम करेगी। इस उम्मीद के साथ हम आपके बीच में अपने गीतों की शुरुआत करेंगे। इस मंच पर साहिबे विराजमान हमारे छोटे भाई जिन्होंने कार्यक्रम करने के लिए लगातार परेशान थे। अच्छा, अगर दरअसल में थोड़ा सा भी अगर ढीला हुआ होता तो ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। 10 बार 15 बार टेलीफोन गया। दुर्भाग्य ये कि कभी हम लोग कार्यक्रम में थे, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वहां थे, कभी पार्टी करा लेते थे, मोबाइल कोई और उठाता था। हमारे प्रिय और समाजवादी पार्टी के झंडे को इस्तकबाल करने वाले आपके इलाके के नौजवान नेता जिसने सामंतवाद और पाखंडवाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के मजबूती से आपके सामने खड़े हैं, भाई संतोष यादव, पूर्व प्रमुख, पूर्व सदस्य जिला पंचायत। जब हमारे कलम में ताकत आई, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का, तो ये आपके बगल के प्रतापगढ़ के एक नौजवान साथी को और जिसे आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी की गायिका प्रियंका माधुरी, इन दोनों लोगों को हमने अपने कमेटी में प्रदेश सचिव बनाने का काम किया। हम इन नौजवानों का भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं और शानदार प्रयागराज के धरती के गायक हमारे प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, उम्र हमसे बड़ी है कि छोटी है, मैं असमंजस में रह जाता हूं, मेरी उम्र 36 हो गई, 36 साल, और आप ओरिजिनल बताएंगे तो कहीं कहीं हमसे 2-4-6 महीना बड़े ही निकल जाएंगे। अब सर्टिफिकेट वाला बताएंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। भाई अभयराज यादव और सुंदर गायिका, 4 से 14 तारीख तक कार्यक्रम चला था, जितना ही हुआ केवल एक आदेश पर इस मंच पर विराजमान है ज्योति यादव, और आप सभी सम्मानित सज्जनों को सहृदय प्रणाम नमस्कार। सुंदर गीत आपने सुना, आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जी का जन्म भी बड़ा कठिनाइयों में हुआ। भगवान श्री कृष्ण दुनिया में आराध्य बने, श्री कृष्ण का अनुसरण दुनिया ने किया, लेकिन आप देखिए संघर्ष करने वाला और कठिनाइयों के दौर से गुजर कर निकलने वाला व्यक्ति ही देश और दुनिया में महान होता है। तो बड़ी सुंदर भजन भी सुने आप सब। आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे गीत भी सुना और बैठकर शांति से कार्यक्रम का आनंद भी आपने लिया। शुरुआत
अपने विधा को, जिसे बिरहा कहा जाता है, ये विलुप्त हो रही है। भारत की पश्चिमी सभ्यता हमारे इस विधा पर हावी है, लेकिन हम सबने प्रयास किया, हमने कहा इस बार अपने नेता से आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि इस देश में बिरहा एक ऐसी विधा है जिसमें हर भाषाएं, हर रस, संगीत का हर तत्व मिलता है। वो कहे कभी मैं सुनता नहीं लेकिन तुम्हारी गीते कभी सुन लेता हूं। कहे धर्मेंद्र सोलंकी, यकीन मानो इस बार अगर सरकार 2022 में बन रही है तो उत्तर प्रदेश के जितने भी तुम्हारे बिरहा के कलाकार हैं सबका सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा, हमारे नेता ने कहा है। आइए मिजाज बनाइए और थोड़ा सा 2 मिनट भाव भक्ति की तरफ लेकर चलूंगा, उसके बाद मैं चाहता जानता हूं कि आप चाह क्या रहे हैं। कल एक कार्यक्रम में हम लोग थे, 50,000 की भीड़ थी, सीतापुर में एक विधानसभा है महोली, अनूप गुप्ता वहां से पूर्व विधायक है, उनके पिताजी ओम प्रकाश गुप्ता लगातार निशुल्क से विधायक होते रहे। अब प्रदेश की विधानसभाओं हमसे उंगली भी गिना लीजिए, मैं बता दूंगा कितनी विधानसभा है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद और प्रशासन के लोगों ने जब हम लोग गए, जनता हल्ला करने लगी कि विधायक जी मुख्य अतिथि जी अभी आने में टाइम है, सोलंकी जी का गीत हो जाए, 4 ट्रक PAC आ गई, पूरे मंच को घेर लिया। अब कार्यक्रम कराने वाले को थोड़ी सी दिक्कत हुई, हमने कहा कि आप किनारे बैठ जाओ कुर्सी पर, और हमने कहा प्रशासन के लोगों वो करे तो रामलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ये नहीं चलेगा। हमने कहा प्रशासन के लोगों, एक एक लोगों का नाम और पता लिखा जा रहा है जो हमारे कार्यकर्ताओं के जुर्म ढा रहे हैं, सरकार बनेगी तो कोई काम नहीं होगा, सबसे पहला हिसाब किताब प्रशासन के लोगों से बराबर किया जाएगा, हमारे नेता ने कहा। 3 ट्रक PAC गायब, कार्यक्रम हुआ, गए, बारिश आ गई, उसी में बड़ी माहौल कल का खराब रहा, लेकिन ठीक हुआ। अब थोड़ा सा मिजाज बनाइए, काम की बात हो जाए, उतने दूर से आप बुलाए हैं। प्रियंका माधुरी मुझे लग रहा है 3री-4थी बार इस मंच में है, आपके इलाके की अच्छी कलाकार है, बड़ी कलाकार है, और कभी कभी लोग कहते हैं, मैं बता दूं अठई भाई, राजनीति एक ऐसी कड़ी है, देश और दुनिया की तरक्की और देश और दुनिया का विकास राजनीति के कलम में है। भारत में इलेक्शन और सिलेक्शन 2 चीजें हैं, इलेक्टेड आदमी जीवन भर मेहनत करके ISPCS बनता है, लेकिन जब वो DM बनता है तो उसका मालिक कोई मिनिस्टर हो जाता है। बिना पढ़ा लिखा आदमी अगर मंत्री है, टेलीफोन करेगा तो DM प्रोटोकॉल में खड़ा होकर कहेगा यस सर, वहां पढ़ने लिखने की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। ये भारत है। कल 400 ट्रेनें बेच दी गई, मोदी जी ने बेच दिया, कल यानी आज, आपने मुझे आज कौन सी तारीख है, 29 तारीख को 400 ट्रेनें बेच दी गई, और आप लोग थोड़ा सजग रहिए, कब आपको बेच के भाग जाएगा इसकी कोई गारंटी है। थोड़ा सा मिजाज आप बनाइए, मूवमेंट बनाइए, कोई जरूरी नहीं रोज धर्मेंद्र सोलंकी आएंगे, रोज प्रियंका माधुरी आएंगी, रोज आशीष अभयराज और संजीव भाई आएंगे, नहीं झोंकोगे तो मिट जाओगे, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई अगर ये बात तो नुकसान सबका है। अब तनी सा आराम से लेके जहां जगह मिले, अब तो इन कृपा हो गई, तनी छाया हो गई, धूप बड़ी तेज रहा, तो मिजाज बना के आप लोग बैठी सबे, एक छोटी सी 2 लाइन का भजन वंदना, और वंदना से पहले एक लाइन भोजपुरी का गीत। शरीर बहुत कष्ट में, मैं कैसे बोल रहा हूं मैं जान रहा हूं, बोलने की हैसियत में हुई नहीं, राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है कि भोजन मिलेगा तो 5-5 मिनट में, और नहीं मिलेगा तो फिर 48 घंटा एकदम रहिए उसी तरह गंगा जल लेते रहिए, काम करते रहिए।
तो आइए प्रयास करूंगा, थोड़ी सी इम्यूनिटी पावर कम हुई है शरीर में, लेकिन प्रयास करूंगा कि आपको भरपूर अपना 100% दे करके जाऊं।